एम आई स्प्रे प्लस, इसनों किसी भी स्प्रे विच पा के 1 लीटर विच 0.33 ml 2.5 ml मिक्स करके स्प्रे करना है, जिस नाल उस स्प्रे का असर कई गुणा बढ़ जाएगा। एम आई स्प्रे प्लस ये बहुत सारे क्वालिटीज़ ने, लाइक स्टिकर, इस स्टिकर का काम करता है, चिपकान का काम करता है, स्प्रेडर ये फैलान का काम करता है, पेनीट्रेटर अंदर तक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये तीन काम तो मार्केट के कई होर प्रोडक्ट भी करते हैं, बट एम आई स्प्रे प्लस विच तीन होर एक्सट्रा क्वालिटीज़ ने, एक्सट्रा फंक्शन ने। क्या? एक्टिवेटर, ये दवाई के असर को दुगने समय तक रखता है। रिएक्टर, जिवें कि असी पंप दे विच 3-4 तरह के कैमिकल मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो यह सब के असर को अलग अलग रखता है और किसी भी तरह के कैमिकल रिएक्शन होने तो रोकता है। नंबर 6, पोलीनेटर, ये मधुमक्खियों भी आकर्षित करता है, जिस नाल फलों की फुलों की संख्या बढ़ती है। ध्यान रखना, प्लीज नोट, स्प्रे हमेशा शाम को 3-4 बजे तो बाद करन नाल स्प्रे का असर दुगना हो जाता है। खरपतवार की स्प्रे का पंप हमेशा अलग रखना है। कोई भी स्प्रे करन तो पहला हर बार 1 लीटर पानी विच 1 ml एम आई स्प्रे पा के पंप नू साफ कर लेना है। इस नाल पिछली स्प्रे दे कैमिकल दा अगली स्प्रे दे कैमिकल नाल मिल के कोई कैमिकल रिएक्शन नहीं होएगा। एम आई स्प्रे प्लस 1 लीटर दे विच 1 ml पा के तुसी किसी भी वैजिटेबल नू, किसी भी सब्जियां नू, किसी भी फलां नू, किसी भी पत्तेदार सब्जियां नू जिवें धनिया, पुदीना, पालक, किसी भी चीज़ नू तुसी फ्रेश कर सकते हो। यानी अगर कोई मुरझा गई हुई सब्जी है या फल है या फुल है तो तुसी उहनू बिल्कुल फ्रेश मोड़ ते लैके आ सकते हो, सिर्फ वो 2-4 मिनट उन्होंने प्यों के रखने के नाल। सो थैंक यू सो वेरी मच। एम आई स्प्रे इज़ अ वंडरफुल।